हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिमीज मसाला किचन में। आज हम बनाने वाले हैं एकदम से बेसिक वनीला स्पंज केक। एक बार आप ये केक बनाना सीख जाए तो उसके बाद किसी भी तरह का कोई भी केक आप बहुत आसानी से बना सकते हैं और इसको किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए कितना स्पंजी और फ्लफी बना है, और साथ में मैंने एक सीक्रेट इन्ग्रीडियंट यूज़ किया है जो कि एग को सब्स्टिट्यूट करेगा। इतना सॉफ्ट और स्पंजी एगलेस वनीला केक आपने कभी नहीं बनाया होगा। तो चलिए रेसिपी को फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 6 इंच के एक केक टिन को लाइन कर लेंगे और उसको ऑयल से ग्रीस भी कर लेंगे ताकि केक बिल्कुल भी ना चिपके। आप डिफरेंट साइज का केक बॉक्स भी ले सकते हैं, पर तब फिर बेकिंग टाइम डिफरेंट हो जाएगा। अब इस केक टिन को अलग रख देते हैं और रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून गोल्डन फ्लैक्स सीड्स पाउडर यानी अलसी का पाउडर, और उसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून पानी। इसको मिक्स करके 10 मिनट तक के लिए हम इसको अलग रख देंगे। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे ये एकदम से फूल जाएगा और इसका टेक्सचर कुछ कुछ एग की तरह हो जाएगा। हमने ओवन को भी 160 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट होने के लिए रख दिया है। अब हम जो भी अपने ड्राई इंग्रेडिएंट हैं उनको मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ लिया है 150 ग्राम सेल्फ रेजिंग फ्लावर, आप प्लेन फ्लावर भी ले सकते हैं, पर तब आपको बेकिंग पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा। और साथ में लिया है 1/4 टीस्पून सोल्ट एंड 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, पर अगर आप प्लेन फ्लावर यूज़ कर रहे हैं तब आपको 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर की ज़रूरत होगी। पर अगर आपके पास सेल्फ रेजिंग फ्लावर अवेलेबल है तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप वही इस्तेमाल करें। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और दूसरे बाउल में लेंगे 90 ग्राम शुगर और 75 ml ऑयल। आप कोई भी ऐसा ऑयल लीजिएगा जिसमें ज़्यादा फ्लेवर ना हो और ज़्यादा स्मेल ना हो, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल या वेजिटेबल ऑयल। और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। अगर आप वनीला एक्सट्रैक्ट यूज़ कर रहे हैं तो 1/2 टीस्पून ही बहुत हो जाएगा। और अब इन सब चीज़ों को एक विस्क की सहायता से बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस रेसिपी के लिए आप कोई भी शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो नॉर्मल वाइट शुगर या फिर कास्टर शुगर, दोनों ही अच्छे से काम करती हैं। आप सोच रहे होंगे कि शुगर तो अच्छे से खुली नहीं है, पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो हमने फ्लैक्स सीड्स का पाउडर पानी के साथ सोक किया था उसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये एकदम से अच्छे से सोक हो गया है, फूल गया है और बिल्कुल एग की तरह इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। इसको हम यहाँ पर एग के बदले में यूज़ करेंगे। एग की तरह ये भी हमारे केक को बाइंड करेगा और इसमें मॉइस्चर को ट्रैप करेगा, जिससे कि इस केक बहुत स्पंजी और सॉफ्ट बनेगा। और इसको शुगर और ऑयल के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे, और आप नोटिस करेंगे 1-2 मिनट में ही शुगर, ऑयल और ये फ्लैक्स सीड्स जो कि हमने सोक किया था बहुत अच्छे से घुल मिल जाएगा। देखिए एकदम से मैजिक की तरह शुगर भी घुल गई है, ऑयल और फ्लैक्स सीड्स पाउडर सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। इस रेसिपी के लिए हमको 125 ml मिल्क की ज़रूरत है। उसमें से आधा दूध हम अभी डालेंगे और उसको इस सारे मिक्सर के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। और जो बाकी दूध बच गया है उसको हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब जो हमारा फ्लावर मिक्स था उसमें से आधा फ्लावर मिक्स हम लेंगे और उसको छलनी से छानकर इसमें डालेंगे। छानकर डालना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका केक ज़्यादा एयरी बनेगा और ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। और सब चीज़ों को बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग आपको इस टाइम बहुत ही जेंटली करनी है। अब हम इसमें बाकी बचा हुआ दूध भी डाल देंगे और उसको भी बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। अगर आप इस केक को वीगन बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल दूध के बदले कोई भी नॉन डेयरी दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बाकी बचे हुए फ्लावर मिक्स को भी हम छान कर डालेंगे और सभी चीज़ों को बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे क्योंकि हमको केक को ओवर मिक्स नहीं करना है। बहुत ही जेंटली, बहुत ही धीरे धीरे इस तरह से कट एंड फोल्ड मेथड से आप इसको मिक्स कीजिए। केक का बैटर फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का होगा
इसकी इस तरह की रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसको हम तुरंत ही जो हमने केक का टिन पहले से लाइन करके तैयार रखा था उसमें इसको हम पोर कर देंगे और फिर किसी स्पैचुला या चम्मच की सहायता से केक के सरफेस को हम इवन कर देंगे और फ्यू टाइम्स हम इसको टैप करेंगे ताकि कोई भी अगर एयर बबल होगा तो वो इसमें से निकल जाएगा। अब हम केक को 40 मिनट के लिए बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 160 डिग्री सेल्सियस अगर फैन असिस्टेड है या 180 डिग्री सेल्सियस पर। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं 40 मिनट के लिए। मेरे केक को बेक होते हुए 40 मिनट हो गए हैं। इसको मैं कोई भी टूथपिक या स्क्रूअर डालकर चेक कर लूँगी कि अच्छे से बेक हो गया है या नहीं। अब केक बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा है, इसका मतलब केक अच्छे से बेक हो गया है। अब इसके किनारों को किसी नाइफ की सहायता से थोड़ा सा लूज कर लेंगे तो बहुत जेंटली डीमोल्ड कर लेंगे। फिर हम इसको किसी वायर रैक पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। मैं तो आज इस केक को बिल्कुल प्लेन ही रखूँगी, पर ठंडा होने के बाद आप चाहें तो आप इसको किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, वनीला बटर क्रीम या फिर चॉकलेट गनाश, कुछ भी बहुत अच्छा लगेगा। देखने से ही पता चल रहा है कि हमारा केक कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी बना है। अब आप इसको अपने मनपसंद के स्लाइसेस में काटिए और जैसे भी आप चाहें वैसे इसको सर्व कीजिए। आप देख सकते हैं कि बिना एग के भी आप एकदम से स्पंजी, एकदम से सॉफ्ट केक बना सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और ख़ास तौर से जो लोग एग नहीं खाते हैं और वीगन हैं उनके लिए तो ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया है। इस रेसिपी से आप चाहें तो कपकेक्स बनाइए या डबल लेयर वाला केक बनाइए, जैसी भी मर्जी हो वैसा केक आप इस रेसिपी से बना सकते हैं। देखिए कितनी स्पंजी है, मैं एक बार इसको दबाती हूँ तो ये वापस बिल्कुल स्पंज की तरह वापस आ जाती है। आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो हमेशा ऐसे ही वनीला स्पंज केक बनाना पसंद करेंगे। और मुझे बताइएगा कि आप ये रेसिपी कब ट्राई कर रहे हैं। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो प्लीज़ मेरे साथ अपने कमेंट्स शेयर कीजिएगा और कोई भी सजेशंस हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। रेसिपी पसंद आए तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।